जल संरक्षण और संवर्धन के लिए दुनिया भर में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर वर्ष 22 मार्च को यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को पानी के संतुलित उपयोग और जल के महत्व के बारे में प्रोत्साहित किया जा सके। देखा जाए तो इस पृथ्वी का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है, लेकिन धरती पर उपलब्ध कुल जल का 97% हिस्सा खारे पानी के रूप में समुद्र में भरा है, जो कि जीव जंतुओं के जीवन यापन और मनुष्य के दैनिक क्रियाकलापों के लिए अनुपयोगी है। बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण, प्रदूषण और पानी के अंधाधुंध उपयोग के चलते आज पृथ्वी के अनेक हिस्सों में गहन जल संकट का खतरा पैदा हो गया है। हमारे देश में ही अनेक स्थानों पर लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। वर्ष 2015 में यूएन द्वारा जल दिवस की थीम वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखी गई है, जो कि जल के दूरगामी महत्व को दर्शाती है और जल को सतत पोषणीय विकास का अहम संसाधन बताती है। वर्ल्ड वाटर डे, इसमें हमारा थीम रखा गया है, दैट इज वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो फ्यूचर के लिए भविष्य में पानी जैसे कि रहे, इसका बंदोबस्त करना हमारे लिए जरूरी है। आज जितना भी उपभोग करने योग्य शुद्ध जल विद्यमान है, उसमें से भी 70% से ज्यादा हिमानियों के रूप में जमा है। मनुष्य और अन्य समस्त प्राणी जगत अपने जीवन यापन के लिए नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर के ऊपर निर्भर है, लेकिन इस जल के असंतुलित उपयोग और प्रदूषण के कारण ये मात्रा भी लगातार घटती जा रही है। वनोन्मूलन और औद्योगिक अपशिष्ट के चलते उपलब्ध जल पीने योग्य नहीं रह गया है। वहीं कॉन्क्रीटीकरण और मृदा प्रदूषण ने वर्षा जल के संग्रह को मुश्किल बना दिया है। जल की कमी ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, असमय बारिश जैसी कई अन्य पर्यावरण संबंधी समस्याओं का भी कारण बन रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम जल के दूरगामी महत्व को समझें, इसकी अनायास बर्बादी को रोकें, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध जल दिया जा सके, एक सुखद कल दिया जा सके। तभी सही मायनों में जल दिवस मनाने की सार्थकता है। हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा पहले एक कहावत कही जाती थी कि पैसे को पानी की तरह मत बहाओ, लेकिन आज के संदर्भ में इस बात को बदल कर देना चाहिए कि पानी को पैसे की तरह मत बहाओ, क्योंकि पैसा जाकर आ सकता है लेकिन पानी की रिकवरी आसान नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जल है तो ही कल है। अंकुर जैन, DD News, भोपाल।